आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। बारामूला पार्लियामानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके तहत चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की दावत दी गई है। उम्मीदवार 3 मई तक 11 से 3 बजे के दरमियान डीसी ऑफिस में अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि शनिचर और इतवार को फॉर्म दाखिल नहीं किया जा सकता। 4 मई को पर्चों की जाँच होगी और 6 मई तक उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। इस सीट के लिए इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि प्रेसमन के बाद बारामूला बांडीपुरा और कुपवाड़ा के अलावा बडगाम जिले के 2 असेंबली सेगमेंट बारामूला पार्लियामानी हलके में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बडगाम सदर और बीरवा असेंबली सीट को श्रीनगर लोकसभा हलके से हटाकर अब बारामूला लोकसभा हलके का हिस्सा बना दिया गया है। बारामूला लोकसभा में चारों जिले की कुल 18 असेंबलियों में इस वक्त चुनाव होने हैं, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद 17,28,501 है। इस सीट पर 5वें मरहले में यहाँ वोटिंग होनी है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक वोटिंग के लिए चारों ज़िले में 2103 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 905 पोलिंग स्टेशन बारामूला ज़िले में होंगे। 26 तारीख से जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। फॉर्म वन होता है, जो कि एक नोटिस होता है इन विच वी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, वो फॉर्म वन डीसी ऑफिस बारामूला से इशू हो चुका है। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ, 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसीव होंगे, वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटिनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड हैं, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। सीधा रुख करेंगे बारामूला कमांड नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। आदिल, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से? देखिए, हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से सरगर्मियां जो है वो काफी उरूज पर नजर आ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि 2 फेज में ऑलरेडी यहाँ पर जो वोटिंग जो पोलिंग की हुई है, तो काफी ज्यादा उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है। वही इसी हवाले से मद्देनजर रखते हुए अगर हम बारामूला जो पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, चूंकि इसमें जो 3 डिस्ट्रिक्ट पहले ऑलरेडी एड हो चुके थे, लेकिन इस बारे में देखा जो डिलिमिटेशन हुई, तो उसके बाद यहाँ पर जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसमें ऐड की गई, चाहे हम बीरवा की बात करें या बड़गाम की बात करेंगे, इन दोनों को जो है फिलहाल नॉर्थ कश्मीर के साथ जोड़ा गया और बारामूला सीट के साथ इन्हें जो है जोड़ दिया गया। तो इस हवाले से अगर हम देखेंगे कि कल हमने देखा कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है बारामूला सीट लोकसभा इलेक्शन के, तो इस हवाले से हमने देखा कि बाजब्त तौर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दी, जिसमें बाजब्त तौर यहाँ पर यह कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, खासकर अगर हम बारामूला सीट के हवाले से बात करें, जहाँ पर कल से ही यहाँ पर जो नॉमिनेशन पेपर से जो कैंडिडेट्स यहाँ पर इसमें हिस्सा लेने चाहते हैं लोकसभा इलेक्शन में, उनकी बाजब्त तौर कल से यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है। तो हमने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजब्त तौर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से यहाँ पर जो तफसीलन जानकारी यहाँ पर फराहम की गई बारामूला पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंस के हवाले से, जहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से उनका कहना था कि 11 बजे से 3 बजे तक कल यहाँ पर जो नॉमिनेशन पर वो लिए जाते, लेकिन आज और कल यहाँ पर छुट्टी होने की वजह से जो है गेस्ट छुट्टी होने की वजह से इन 2 दिनों में यहाँ पर जो नॉमिनेशन पर से वो नहीं लिए जाएगी, लेकिन मंडे से एक बार फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक यानी 3 तारीख तक जो है, क्योंकि 3 तारीख को जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर का बारामूला सीट का, वहाँ तक जो है नॉमिनेशन पेपर जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो भर सकते हैं। तो इस हवाले से हम देखेंगे जिले के अंदर जो है न सिर्फ बारामूला की बात करेंगे, बल्कि इसके साथ कुपवाड़ा की बात करेंगे या बांडीपुरा की बात करेंगे, बीरवा बड़गाम की बात करेंगे, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सरगर्मियां जो है सियासी सरगर्मियां उरूज पर नजर आ रही हो। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हम ये सिक्योरिटी के लिहाज से ये कहेंगे अच्छे खासे इंतजाम जो है ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से कहीं पुलिस स्टेशन का यहाँ पर दौरा किया गया, कहीं यहाँ पर जो कंट्रोल रूम से, चाहे हम कुंजर की बात करेंगे, पट्टन की बात करेंगे या बारामूला की बात करें, जहाँ पर आज खुद डिप्टी कमिश्नर बारामूला इन जगहों का दौरा किया और यहाँ पर सूरत हाल का जायजा लिया। तो इस हवाले से मैं ये कह दूँ कि 3 मई तक जो है लास्ट डेट रखा गया है नॉमिनेशन का बारामूला सीट के हवाले से, 4 मई को यहाँ पर इन जो पेपर्स यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे इनकी सेक्रेटरी होगी, उसके बाद 6 मई को जो लास्ट डेट होगा जो विड्रॉवल करना चाहेगा नॉमिनेशन पेपर इस हवाले से, और 20 मई को जो है बारामूला के अंदर जो है वोटिंग होने जा रही है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कोशिश की जाए, चाहे हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, चाहे हम